मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 24वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़ें। जो सीधा उत्तर देता है वह होंठों को चूमता है। हमने जो वचन अभी पढ़ा है ये हमारे दिल की तमन्ना को दर्शाता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें अपनी जबान या अपनी होंठों पर नियंत्रण हो, ताकि हम जो भी बातें कहें वो सही हो। दूसरों के सामने हम अपने हृदय के विचारों को रखते हैं, और कई बार अगर हमारी बातों ने दूसरों को तसल्ली दिया है या उस परिस्थिति को शांत किया है तो हमें कितनी तसल्ली आती है, हम कितना गर्व करते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं। लेकिन उसी समय अगर हमारी जुबानों से, हमारे मुख से कुछ ऐसे बातें निकली हैं जिसने माहौल को खराब किया है, तो हम बाद में पछताते भी हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में इतना सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि परिस्थिति को सुधार भी सकती है, नियंत्रित कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कुछ मूर्ख शब्द काफी हैं, कुछ बेवकूफी की शब्द काफी हैं परिस्थिति बिगड़ जाए। सही शब्द लोगों के जीवनों को बना सकती है, तसल्ली का काम कर सकती है, सांत्वना दे सकती है। उसी समय धोखे के शब्द, कड़वे शब्द लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सही समय में सही शब्दों का उपयोग करें, लेकिन हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम बहुत बार हमसे नहीं हो पाया है, हम चूके हैं, परिस्थिति संभल नहीं पाई, हमने मूर्ख शब्द बोले हैं। जब परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि हमें छेड़ा जाता है, हमें गुस्सा आता है, और फिर हम अपने विचारों को रखते हैं, कई बातें बोल बैठते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए था, हमने अपनी बातों से कई बार दिखाया है कि हम में कितनी कमी है, कितनी असमझ है, हमें कितना बढ़ना है, और टूटे हुए मन के साथ, अफसोस के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। आइए इन अंतिम दिनों में जब हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है, हम अपनी गलतियों से सीखें, प्रभु के उस कद तक बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा देखें। जब हमारे प्रभु इस संसार में हमारी तरह मनुष्य का जीवन बिता रहे थे, कितनी परिस्थितियां आई, हमसे भी ज्यादा भयानक परिस्थितियां सामने बनी। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कैसे कई लोग प्रभु के पीछे इसी मकसद से चलते थे, इसी उद्देश्य से चलते थे कि प्रभु के बातों में कुछ गलती ढूंढे, ताकि मजाक बनाया जाए या फंसाया जाए। कई ऐसे सवाल पूछते थे जिससे प्रभु को वो उकसाना चाहते थे, ताकि वातावरण बिगड़े। लेकिन हमारे प्रभु ने कितने सबर के साथ हर परिस्थिति का सामना किया, और ये हमारे लिए एक नमूना है, उदाहरण है। हमारा प्रभु चाहता तो मानव जाति को अपने दुखों के कारण उन्हें कोस सकता था, क्योंकि इंसान ने अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ बलवा किया है, उसी का परिणाम है। जब भी हमारे प्रभु दिव्य या दैवीय सत्य को सिखाते थे, लोग उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, वो केवल तात्कालिक बातों पर ही अपना मन लगाते थे। जिस प्रकार खाना और बाकी चीजें हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी हमें लगता है, परमेश्वर के साथ का संबंध से ज्यादा महत्व हम भौतिक चीजों को देखते हैं, वो कभी भी प्रभु के प्यार को नहीं समझे जो प्यार से प्रभु उनको सिखाता था। लेकिन हम फिर भी देखते हैं हमारे प्रभु के वचन उनके लिए तसल्ली थे, बलवा करने वाले मानव जाति को सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। प्रभु हमारे प्रभु ने यहूदा इस्करियोती के साथ कैसे व्यवहार किया, हमारा प्रभु जानता था कि वो धोखा देगा, पकड़वाएगा, लेकिन कभी भी प्रभु ने उसके विरोध कोई शब्द नहीं कहा, ना ही दूसरे चेलों के सामने यहूदा की आलोचना की। हमारे प्रभु के शब्द
कितने शुद्ध और दिव्य प्रेम से भरे थे। साथ के जो चेले थे वो अलग अलग अनुभवों से आ रहे थे, लेकिन वो सब प्रभु के साथ एक साथ थे। चेले सिद्ध नहीं थे, लेकिन प्रभु के साथ खड़े रहे। प्रभु कैसे हर परिस्थिति को सामना करता है उन्होंने देखा है, और उसी के कारण वो भविष्य में दुनिया के कोने कोने में जब गए और प्रभु के लिए अपना जान दिया, उन्होंने कितनी बातें सीखी हैं। आइए आज सुबह हम अपने जीवन को देखें, क्या हम प्रभु के ज्ञान में हम बढ़ रहे हैं, क्या हम प्रभु से सीख रहे हैं कि किस प्रकार अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर हम प्रभु के वचन पर मनन करें तो हम परमेश्वर के उस दैवीय सिद्धांतों से कितनी बातें सीख सकते हैं और उस सिद्धता तक बढ़ सकते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। और हम जब हर परिस्थिति का सामना करते, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमें सामना कैसे करना है। अगर हम भावुक हैं, अगर हम जोशीले हैं, तो हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में आ जाते हैं और हम वो शांत माहौल को बर्बाद कर बैठते हैं। और अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, तब हमारे जुबान से, होंठों से जो शब्द निकलते हैं, उसमें वो दैवीय मिठास होगी और दूसरे भी परमेश्वर की शांति और प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। आइए हमारे होंठ एक ऐसे पात्र हो जिससे प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु के लिए गाना गाना, स्तुति करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वक्त, ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में जो बल पाते हैं, आइए हमारी जबानों के द्वारा इस दुष्ट दुनिया में प्रभु की महिमा होने पाए। क्या हम इस संसार के पाप और संसार की चीजों से हम दबे हैं? क्या दुनिया की तरह ही हम बातें करते हैं? ध्यान रखें, हम पवित्र परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जबानों से प्रकट होने पाए, हमारी सिद्धता उसके द्वारा प्रकट होने पाए, उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। बाप, आपने हमें जो उद्धार दिया, आपने जो हमारे जीवन में काम किया, आपने बड़ी ऊंची बुलाहट से हम एक एक को बुलाया। बाप, विनती करते इन दिनों में हमारे होंठों से जो शब्द निकलते हैं, हम जो बातें करते हैं, सबके लिए तसल्ली का कारण हो, हौसला का कारण हो। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन फिर भी प्रभु आपने मौका दिया। आज भी प्रभु आप अपने खून से हमें धो ले, शुद्ध करें और हमें ज्ञान दे ताकि लोग आपकी महिमा को देख सके। हमारे शब्द लोगों के लिए तसल्ली और हौसला का कारण, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।